नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश लाइव में। मैं आपके साथ तनीषा जैन। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार के साथ। पीएम मोदी ने कतर में अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों को लेकर की चर्चा। दिल्ली कूच के तीसरे दिन किसानों ने रेलवे ट्रैक और टोल प्लाजा पर किया विरोध प्रदर्शन। शाम को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच होगी बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। तृणमूल कांग्रेस सांसद बीबी चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा। स्थानीय पार्टी नेतृत्व पर जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर बताया असंवैधानिक। अब से राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव प्रक्रिया में होगी पारदर्शिता। फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले दिया बड़ा बयान। कहा उनकी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन को चुनाव से पहले फिर लग सकता है बड़ा झटका। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को लिखी चिट्ठी। कहा यह कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भेजा गया होटवार जेल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन में शेयर बाजार बढ़ोतरी के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 227 अंक चढ़ा तो वही निफ्टी पर दर्ज की गई 70 अंक की तेजी। रणबीर कपूर के 77वें जन्मदिन पर करीना ने सोशल मीडिया पर अनोखे अंदाज में दी बधाई। तो वहीं करिश्मा ने भी शेयर की बचपन की तस्वीर। महाभारत में नीतीश भरद्वाज ने पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लगाए गंभीर आरोप। कहा पत्नी बेटियों से मिलने नहीं गई। आज की खबरों में इतना ही। अन्य मुख्य समाचारों के लिए देखते रहिए स्वदेश लाइव। नमस्कार।